हाय फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं दिन सोने रात में सोने से लेके दिन भर क्या काम करता हूँ, तो उसके बारे में एक ब्लॉग बनाऊँ और आप लोग को सबको शेयर करूँ। एक पोस्ट डॉक और रिसर्च साइंटिस्ट का लाइफ कैसे जाता है, कैसे दिन गुजरता है, उसके बारे में एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ। तो अभी रात 11 बज रहा है और मैं सोने जा रहा हूँ, तो कल सुबह उठते हैं और मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि रात तक मैं क्या क्या करूंगा, उसका आप लोग को मैं बताऊंगा, अपडेट दूंगा। तो अभी मैं सो जाता हूँ, मिलते हैं कल, बाय। हाय फ्रेंड्स, अभी हम उठ गए हैं, सुबह हो चुका है, अभी हमें फ्रेश होंगे, फिर काम ख़त्म करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर दिन स्टार्ट होगा। मैं आज का दिन का पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको जानकारी दूंगा कि एक साइंटिस्ट, एक रिसर्च स्कॉलर का लाइफ दिन में कैसे जाता है, वो कैसे बिजी रहता है। तो स्टे ट्यून, विल मीट सून, थैंक यू फ्रेंड्स। अभी ब्रशिंग टाइम, सो अभी सुबह हुआ है, मैंने ऐसे बोला था, मैं उठ गया जल्दी आज और अभी ब्रश करूँगा, तो ब्रश करेंगे अभी। फ्रेंड्स, अभी ब्रेकफास्ट टाइम है, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। ब्रेकफास्ट तो मैंने ब्रेकफास्ट में केला लिया है, बनाना और कैंटीलोप जो खरबूज बोलते हैं, तो उसको मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। 2 घंटा 3 घंटा के लिए मेरा हो जाएगा। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर थोड़ा काम करूँगा, फिर लंच करूँगा, तो आगे अपडेट बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्रेकफास्ट। आगे जानकारी दूंगा, तो अभी ब्रेकफास्ट टाइम है, तो उसके बाद थोड़ा काम करेंगे, घर से बात करेंगे, उसके बाद और आगे डे का काम स्टार्ट होगा। अभी थोड़ा टाइम मिला है और मैं यहाँ पे डेटा, कुछ एक्सपेरिमेंट का डेटा एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट कर लिया है और सोचा कि थोड़ा सा बैठ के कुछ समय, 1-2 घंटे, 1-2 आवर में थोड़ा सा एनालाइज कर लूँ डेटा, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का मेरा स्कीड्यूल में ऐसा रहता है कि मैं थोड़ा बहुत काम भी घर पे, घर से करता हूँ, और अभी नेक्स्ट डेटा एनालिसिस करने के बाद मैं थोड़ा से फिर लंच के लिए तैयार प्रिपेयर करूँगा, फिर लंच करेंगे, फिर नेक्स्ट लैब जाएंगे और काम करेंगे थोड़ा। तो आगे अपडेट जानकारी दूंगा, तो अभी डेटा एनालिसिस चल रहा है। अनियन का, प्याज का कंडीशन ऐसा होने के बाद आप इसमें जिंजर जो चॉप किए हैं, जो गार्लिक चॉप किए हैं, उसको साथ में डालना है। तो अभी मैं डाल रहा हूँ और उसको अच्छा से मिक्स करूँगा स्टेप बाय स्टेप, वेरी क्विक प्रोसेस। इसको आधा घंटा में, 45 मिनट में इसका कंप्लीट करेंगे प्रोसेस। नमक एंड चिकन 65 मसाला मिक्स करने के बाद कंडीशन ऐसा है। अभी 5 to 8 मिनट्स में उसको बाहर से पक 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 बाहर से, अभी देखिए प्रेशर सब लगा चुका है। आप देखिए चिकन का क्वालिटी कैसा है और उसका उसका कलर कैसा है, देखिए बहुत अच्छा से बना है। तो हम जल्दी जल्दी अभी नहा लेंगे और खाना लंच के साथ बहुत ही एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लंच टाइम, लंच करने का टाइम आ गया। तो मैं बासमती राइस लिया है और ये देखिए माई फेवरेट चिकन करी आई मेड टुडे। तो अभी खाने का मज़ा लेंगे और आगे क्या प्रोसेस है डे का, मैं इनको जानकारी दूंगा आपको। अभी दोपहर का 2 बज चुका है और हम अभी लैब जाएंगे। अभी इसे रेडी हो रहे हैं, जूता पहन रहे हैं और अभी लैब जाएंगे और एक्सपेरिमेंट करके आएंगे, क्योंकि मैं 7 दिन काम करता हूँ, पूरा 7 डेज वर्क। तो
सो नाउ आई एम रेडी, सो आई विल बी गोइंग टू द लैब। अभी हम रास्ते पे हैं और लैब जा रहे हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, 4 घंटा काम करके आएंगे। प्लान किया है कि 2 to 6, इसीलिए लैब जा रहे हैं क्योंकि मैं 7 डेज काम करता हूँ और थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ, मतलब एवरी डे 3 to 4 आवर्स आई वर्क एक्सपेरिमेंटली, सो दैट कि काम बढ़ते जाए और आपको डेटा मिलते जाए, विच इज़ मोस्टली इम्पोर्टेंट, आप प्रोडक्टिव रह सकते हैं। तो अपडेट आगे बताऊंगा क्या होता है। अभी हम डिपार्टमेंट में आके पहुंच चुके हैं और अभी हम लैब में जाएंगे और काम करेंगे। ये हमारा डिपार्टमेंट है, तो आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये है मेरा डिपार्टमेंट और मैं अभी अंदर जाऊँगा स्वाइप करके कार्ड। तो कार्ड स्वाइप किया तो खोला, अंदर गया डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट अभी लैब में आ गए हैं और ये मेरा लैब है, तो मेरा ये बेंच है जहाँ पे मैं और मेरा दोस्त गए थे न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उसका फोटो है। और अभी मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, तो अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ कल सेट किया था एक्सपेरिमेंट, उसका मैं फीड कराऊंगा। अभी थोड़ा पानी डालूंगा उसमें, एक ड्रॉप पानी, ज़्यादा हो गया बट चलेगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट काम करूंगा, पानी ऐड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ड्रोसोफिला स्टॉक्स जो है उसको मैं कुछ एक्सपेरिमेंट सेट कर रहा हूँ, यहाँ मेल फीमेल सेपरेट कर रहा हूँ। ये एक फीमेल फ्लाई है, आप अच्छे से देखिए, इसका एक फीमेल है, इसका इसका बैक साइड, इसका एब्डोमेन में ब्लैक स्पॉट है, वर्जिन फीमेल है और टर्मिनल पोजीशन जहाँ पे पूरा एंड पे है वहाँ ब्लैक नहीं है, ये एक फीमेल फ्लाई है। अगर आप मेल फ्लाई देखेंगे, एक मेल फ्लाई ये है, देखिए इनका ये फीमेल फ्लाई में यहाँ पे इसका टर्मिनल जो उसका पोस्टीरियर पर्सन जो है वहाँ पे उसका ब्लैक स्पॉट है, इसलिए ये मेल है, ये फीमेल है। तो यहाँ पे मैं ड्रोसोफिला स्टॉक्स जो है यहाँ पे मैं उसको एक्सपेरिमेंट सेटिंग के लिए लाया हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरा लैब में, वहाँ पे कुछ काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उस रूम को भी अंदर में जा रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोस्कोप का काम करना है। पहले मैंने यहाँ पर उतारा हूँ, ये माइक्रोस्कोप रूम है, यहाँ पे मैं कॉन्फोकल इमेजिंग करने वाला हूँ और आगे जानकारी दूंगा क्या कैसे इमेज क्या कर रहा हूँ उसके बारे में, एक छोटा से आपको झलक दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी हम इमेजिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हम इमेज ले लिए हैं, तो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं इमेज को मर्ज करूँगा, तो मर्ज के लिए मैं जस्ट थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या किया मैंने। तो ये है मर्ज इमेज जिसमें मैंने एक्चुअली जो मैजेंटा कलर देख रहा है, जो आपको देख रहा है मैजेंटा, जो पिंक कलर देख रहा है वो ग्लूटामेट रिसेप्टर का एंटीबॉडीज है, मैंने लेबल किया है सिनाप्स को। और प्री सिनाप्टिकली आई यूज द ग्रीन वन इज द NC82 द एक्टिव जोन। तो थोड़ा अगर हमें प्ले स्प्लिट करेंगे, ये जो मैजेंटा देख रहा है, जो आपको पिंक कलर देख रहा है, ये ग्लूटामेट रिसेप्टर 3 का एंटीबॉडी स्टेनिंग है। और ये जो ग्रीन देख रहा है, ये है NC82 और ब्रूस पिलोट और एक्टिव जोन का स्टेनिंग है, ये है मर्ज इमेज। फ्रेंड्स अभी काम ख़त्म हो चुका है, तो मेरा 6 बजे का काम ख़त्म हो गया, 4 घंटा काम किया। अब डिपार्टमेंट से मैं जा रहा हूँ घर, तो अभी काम ख़त्म हो गया, मैं निकल रहा हूँ। शाम हो चुका है, बाहर अंधेरा हो चुका है आप देखिए, तो मैं अभी लैब से घर जा रहा हूँ। बाहर -5 -10 डिग्री सेंटीग्रेड, आई थिंक -10 है। और मैं पहुँच के
आज का स्केड्यूल काम हो गया और पहुंच के मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा लूँगा और फिर जिम जाऊँगा। फिर मैं आपको अपडेट बताऊँगा आगे क्या करना है, तो स्टे ट्यून, आई विल शेयर द इन्फॉर्मेशन सून। अभी हमारा जिम खत्म हो चुका है और मैं अभी डिनर करूंगा। डिनर के लिए मैंने सेम चिकन था और राइस था, उसको मैं अभी डिनर के लिए खाऊंगा। चिकन देखिए, चिकन है, तो आगे और बताएंगे और क्या क्या मैं काम करने वाला हूँ आज का दिन में आफ्टर डिनर। सो आफ्टर डिनर आई विल ऑल्सो डू सम डेटा एनालिसिस, देन आई विल गो फॉर स्लीप। स्टे ट्यून्ड फॉर डिटेल्ड स्केड्यूल। अभी डिनर ख़त्म हो चुका है, मैंने थोड़ा 15 मिनट का रेस्ट लिया, फिर आ गया मेरा काम करने के लिए, कुछ डेटा एनालाइज करने के लिए, क्योंकि कल मीटिंग है तो इसीलिए मैं डेटा एनालाइज कर रहा हूँ और डेटा एनालिसिस करूँगा 1 to 2 आवर। देन उसके बाद मैं जाऊँगा, आई विल गो फॉर स्लीप, देन मेरा पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। आज दिन का जो कुछ भी था मैंने सब कुछ आपको दिखाया, एक रिसर्च स्कॉलर एब्रॉड में लाइफ को कैसे स्प्लिट करता है, लाइफ को कैसे सर्वाइव करता है विथ वर्क लाइफ बैलेंस, विथ वर्क लाइफ एंड एवरीथिंग, उसके बारे में पूरा मैंने विजुअल आपको दिखाया। और आगे जब जाऊंगा मैं और कुछ बोलूंगा, जब मैं जाऊंगा व्हेन आई गो फॉर स्लीप देन आई विल टॉक समथिंग। फ्रेंड्स, रात 11 बज चुका है, अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह मीटिंग है और कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल मीटिंग है। और मेरा पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, मेरा पूरा दिन का जो स्केड्यूल्ड है मैंने पूरा आप लोग को दिखाया कि मैं दिन सुबह मतलब सुबह से लेके पूरा रात मतलब सोने तक क्या क्या, एक रिसर्च स्कॉलर जो एब्रॉड में रिसर्च कर रहा है कितना प्लानिंग करता है सब कुछ चीज़ को, एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम पर्सनल लाइफ टू प्रोफेशनल लाइफ जो कुछ भी है वो करता है, एक रूटीन फॉलो करता है, क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर आप सही से नहीं करते हो तो आप यू विल स्ट्रगल इन योर अब्रॉड। तो बहुत ही ज़रूरी है एक रिसर्च स्कॉलर को पूरा बैलेंस लाइफ मेंटेन करना जब आप अब्रॉड में रहते हो, सब कुछ टाइमली करना पड़ता है। आई थिंक अगर ये सब प्रोटोकॉल हम इंडिया में जब PhD करने का टाइम में हम अगर फॉलो करेंगे, कुछ कुछ लोग का PhD 5 साल 7 साल 8 साल जा रहे हैं, आई मुझे पता है कि हाँ इसमें गाइड का भूमिका बहुत मैटर करता है। फिर भी हम अगर हम सिंसियरली काम करेंगे, सब कुछ को प्रोटोकॉल हिसाब से फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप ज़्यादा टाइम नहीं लोगे कंप्लीट करने में। तो बस यही एक छोटा सा विजुअल था एक रिसर्च कलर लाइफ ऑफ ए रिसर्च कलर इन अब्रॉड। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।